अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मैट्रिक्स की आज चौथी क्लास है जिसके अंदर हम एक रिंग डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसकी पिक्चर आप ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। तो ये पिक्चर मुझे मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे शेयर की और मुझसे कहा कि सर ये मैनुअली रिंग डिज़ाइन करना बताएं कि इसको हम मैनुअली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर जो जो पॉइंट हैं वो यानी कि उनको समझ नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर ये बताएं कि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो हमारे पास रिंग्स है, इसके अंदर हमारे पास कोई साइज नहीं है, किसी किस्म का कोई नगीने का साइज नहीं है, तो हम स्टोन्स का साइज वगैरह इसके अंदर कैसे निकाल सकते हैं और प्रॉपरली इसको मैनुअली कैसे बना सकते हैं। तो मैंने इस पिक्चर को देखा और मैंने देखने के बाद ये एक यानी कि मुझे यानी कि जहन में एक आइडिया आया कि तस्वीर अच्छी है और एक आइडिया भी अच्छा है, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि अगर इस तरह की कोई पिक्चर वगैरह आपके पास भी आती है तो बगैर यानी कि साइज वगैरह के हम उसके अंदर स्टोन्स का साइज वगैरह और जो रिंग के अंदर डिजाइन वगैरह है उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह से वजन वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक एक चीज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि इस तरह की अगर चीज आप लोगों के पास भी आते हैं तो आप लोगों को बनाने में आसानी हो। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहां जाके इस रिंग को डिस्कस करते हैं कि इसको हम मैनुअली किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, इसके अंदर जो स्टोन का साइज है वो कैसे खुद से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को जरिए लाइक कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचती रहे। हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने जाना है इसकी व्यू में, ठीक है, व्यू में जाके पिक्चर लेकर आनी है अपने, और यहाँ पे क्लिक करके मैं पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करके पिक्चर लेकर आऊंगा और यहाँ जाऊंगा डाउनलोड में और ये रही वो पिक्चर, इस पर क्लिक करा और F4 दबा के मैं पिक्चर ले आया, ठीक है, ये ऐसे आ गई मेरी। अब मेरे पास यहाँ जस्ट पिक्चर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना साइज है अंगूठी का, ना नगीने का साइज है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस मुझे इतना बताया कि इसमें 150-180 तक का दाना आ जाए हमारा, उस हिसाब से आपकी सेटिंग कर लो स्टोन और एक बड़ा ही रख लो, और देखने में पता भी चल रहा है कि स्टोन हमारा बड़ा ही है। तो इस तरह की अगर अंगूठी आपके पास आती है, कोई साइज आपको नहीं बताया जाता, तो आपने उसका साइज कैसे निकालना है ये सारा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब इसने मुझे सर इतना बता दिया कि इन नगीनों के अंदर ना हमने 180 का दाना रख लेना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, डायमेंशन में जाके यहाँ सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई नापता हूँ कितनी है, 320, बहुत ज़्यादा है। इसको पकड़ा, ट्रांसफॉर्म में जाके मैंने स्केल 3D और यहाँ पे पॉइंट रख के मैंने इसको ऐसे छोटा किया, ये आगे 216, ठीक है, इसको मैंने हल्का सा 220 कर लिया। इसमें आराम से 180 का दाना हमारा इजीली आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पाइप भी लगेगा। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से नापो डायमेंशन में जाके ये, और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन नापो, तो हमारा ये दाना आ रहा है 25 mm का दाना, ये बहुत बड़ा दाना है हमारा, ठीक है, हम इतना बड़ा नहीं लेंगे दाना, नॉर्मली हम साइज़ लेंगे। बाजू का ऐसा होता है कि नगीने का साइज़ निकल आता है, ऊपर का स्टोन का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हमने वो स्टोन लेना है जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बिल्कुल ठीक रहे हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चौड़ाई नापते हैं, ये 21 आ रही है, हम 20-15 ले लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको लिया मैंने थोड़ा सा इधर किया ये ऐसे, और इसको मैंने लॉक कर दिया वाइट कलर में, ठीक है, ऐसे। उसके बाद मैंने जाना है जेम्स में और जेम लोडर में, उसके बाद जेम लोडर में जाने के बाद मैं यहाँ पे जेम शेप और यहाँ पे जाके ना ये वाली यहाँ पे क्लिक करूँगा, डायमीटर सिंपल, ठीक है, जेम ये वाली, ठीक है, और ये वाला ओवर लूँगा शेप, ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने अब यहाँ पे साइज़ कोई भी सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 20-20, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 16, ठीक है, 15 के बजाय 16 लिख दिया मैंने, ये स्टोन आ गया। और ये हाइट उसकी वीर के ऊपर की तरफ कितनी रखनी है हमने, इसको हम कर देते हैं 5 mm, ठीक है, ये मैंने 5 और ये मेरी हाइट हो गई। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव में जाके आप चेक कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये दाने की हाइट मेरी यहाँ पे आ गई, समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसका लेना है F6 दबा के जेम प्रोफाइल, ये जेम प्रोफाइल ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको स्टोन्स को बंद कर दिया और यहाँ जाके मैंने इसको, हमने देखो इसके अंदर हमारे वो नहीं लगे हुए, जंग नहीं लगे हुए हमारे, ठीक है, तो इसको ऑफ साइड हमने बाहर की तरफ लेना है, ना कि अंदर की तरफ, ठीक है, क्या लेंगे, ठीक है, ये हमारा इसका पूरा पूरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये देख, ये पूरा पूरा इसके अंदर बैठ रहा है हमारा, तो हमने इसका ऑफसाइड बाहर की तरफ लेना, ज़्यादा नहीं लेंगे, अगर गोल्ड में लगनी है तो नॉर्मली 0.65-0.6 तक रखेंगे, ठीक है, नॉर्मली। हम क्या करते हैं, इसका 0.7 ले लेता हूँ, ठीक है, ये 0.7 मैंने ले लिया, इसको मैंने लिया और यहाँ से सरफेस में जाके प्लानर कर दिया और यहाँ से प्लास्टिक व्यू किया, ओके हो गया। इसको मैंने लिया और यहाँ से ऐसे, और इसकी हाइट मैंने बढ़ा दी, सॉलिड में जाके इसकी हाइट करी, स्टोन हमारा बड़ा है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे उसने हाइट थोड़ी कम रखी हुई है इसकी स्टोन की ना, ये देखो जे की हाइट कम रखी हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है जितनी हम करते हैं उसको, हम कम से कम से रखते हैं 2.3, ठीक है, 2.3 हमने हाइट रखी। नीचे की जो सरफेस है वो हमने डिलीट कर दी, ठीक है, स्टोन ले आओ, अब ये देखो स्टोन आपका पूरा पूरा इसके अंदर आएगा, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा,
इस तरह से। अब आपने क्या किया, सॉलिड में गए, ये फिल्टर एज लिया, यहाँ से चैम्फर एज, और इसको पकड़ा और राइट क्लिक दबाया, सेट ऑल और 0.35 यहाँ ऐसे, ठीक है। और इसको आप यहाँ रख, यहाँ ऐसे रखें, ये चीज़ आपकी यहाँ आएगी, स्टोन यहाँ बिठाना, जहाँ भी आपने बिठाना हो वहाँ पर आप स्टोन बिठाओ, उसको स्टोन को बंद करो। और इसके अंदर जो ये नगीना है ना, ये वाला कर्व जो है हमारा, इसके बाद एक ऑफ साइड लो अंदर की तरफ, ठीक है, जो इसकी बेस बनेगी 0.6 लेके हमने इसकी बेस बना ली, ठीक है, ये बेस बन गई मेरी। और यहाँ से प्लानर मैंने कर दिया, इसको डिलीट, इसको मैंने ज़्यादा हाइट नहीं करूँगा, 0.4 की हाइट कर दूँगा, ठीक है, 0.4 ऐसे। इसको मैंने दोनों को पकड़ के यहाँ से मैंने गोल्ड ग्रुप करा, और अब ये हमारा स्टोन इसके अंदर कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, देखो अब स्टोन हमारा यहाँ पे यहाँ बैठेगा आगे ऐसे, ठीक है, और इस स्टोन नीचे की तरफ हमारा कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। इसकी हाइट आप बढ़ाना चाहो तो अपने हिसाब से बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, जैसे मैं ये हल्की सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये स्टोन की हाइट मेरी बढ़ गई। और इसको किया प्लास्टिक व्यू, ये आ गया साइड व्यू में जाके, इसको भी यहाँ पे किया प्लास्टिक व्यू, चेक किया, ओके हर तरह से, ठीक है, ये मेरी मुकम्मल हो गई। इसको मैंने किया ग्रुप, ठीक है, ये मैंने ग्रुप कर दिया, ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसका मैंने रिंग रेल लेना है, यहाँ से रिंग रेल लेने के बाद मैं इसके यहाँ जाऊँगा इस जगह पर, ठीक है, B7 का रिंग रेल लेता हूँ, B7 का मैंने स्टोन ले लिया, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मली जो रिंग रेल का साइज़ होता है वो 15-16 चलता है, ठीक है, बहुत हो तो बहुत 20 ऑर्डर पे ही आता है, वैसे नॉर्मली 15-16-17 ही होता है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी 20 ही लिया क्योंकि अंगूठी देखने में ही बड़ी लग रही है हमें। अब हमने क्या करना है, इस लेके ना इसको यहाँ थ्रू फिंगर में जाके इसके ऊपर ले आना, ऐसे तकरीबन इतना ऊंचा लाना है यहाँ से। अब आप समझ रहे हो यहाँ रखना है, मैंने यहाँ नहीं रखना इसको, मैंने कम से कम इतना ऊपर रखना है। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ देखो, ये रहा चक्का जे, उससे कितनी ऊंची है, उसके साइड पे पत्ता बना हुआ हमारे, और पत्ता पहले लगेगा उसके बाद ही हमारी जे आएगी हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये दो हमारी हॉकियाँ ही बननी है हमारी, ठीक है, ये हमारी दो हॉकियाँ ही बनेगी। अब इसकी सेटिंग हमने खुद करनी है, क्योंकि देखो हमारे पास जस्ट तस्वीर है, तस्वीर पे हमने खुद उसको बेहतर करके लेके चलना, आइडिया है ना हमारे पास, नमूना सैंपल नहीं है हमारे पास, जहाँ से जितनी बेहतर होगी हमने उसको उतना बेहतर करके चलना। अब इसको समझो यहाँ पे, अब आपने दो हॉकियाँ बनानी है, ठीक है, एक आपने ये वाली इंटरप्ट कर लिया और यहाँ से बनाना शुरू करो, लेयर चेंज करो, लेकिन मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, लाइन वर्क बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका, ज़रूरी नहीं तस्वीर पर आपका ख़राब बन रहा हो तो आपने भी ख़राब बनाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। देखो अभी मेरा ख़राब हो रहा है, लेकिन मैं इसको अभी ठीक करूँगा यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे गए ऐसे, ये चीज़, ठीक है, ऐसे ये चीज़ से यहाँ ले आया मैं, उसके बाद यहाँ ऐसे, ये यहाँ ले आया, पिक्चर को मैंने हाइड कर दिया। अब देखो ये ख़राब हुआ हुआ ना, इसको पकड़ा, ज्वाइन किया और कंट्रोल पॉइंट देके अब इसको ठीक करना शुरू किया, ऐसे यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया, ये चीज़ हमारी, ठीक है, ये खुद हमने बेहतर करना होता लाइन में, तस्वीर के मुताबिक नहीं चलना होता, बार बार बता रहा हूँ। ऐसे इसको आपने किया यहाँ से, ऐसे यहाँ से इसको आपने किया ऐसे, ये आपने बंद कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है, उसके बाद आपने स्केप कर दिया, इसको हल्का सा यहाँ से निकालो, ये और भी अभी ये निकलेगा ऐसे, ये हल्का सा नीचे गया ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इसको हल्का सा ऊपर कर यहाँ ले आओ ऐसे, और कर दो स्केप। अब पिक्चर खोल के चेक करो, ये ऊपर देखो, इसको इलिप्स से टो भी आएगी हमारी जी, ठीक है, इलिप्स से टो भी आई भी। अब हमने पहले एक ये वाला ही बना देते हैं, क्योंकि ये दो ही हैं हमारे पास, इन्हीं को हम बड़ा छोटा आगे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और है हमारी, जो ये वाली हॉकी बनी हुई हमारी, ठीक है, ये वाली है हमारी हॉकी, तो इसको भी हम बनाते हैं, एक यहाँ से लाइन वर्क लेते हैं इसका, ठीक है, ऐसे ये चीज़, ठीक है, बड़ी भी है और छोटी भी है इसके अंदर, ये दो तीन हॉकियाँ साइज़ की हमारी बनी हुई है ऐसे। अब हमने इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट रखा ऐसे, और इसको मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मैंने यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे, और इसको खुद मैं बेहतर करूँगा, ये देखो ऐसे, अब ये देखो लाइन वर्क आ गया ऐसे। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल पॉइंट दिए इसको और इसको ठीक किया, यहाँ से बाहर निकाला ये चीज़, इसके बाद इसको हमने किया ऐसे यहाँ पर, इसको हल्का सा किया नीचे, इसको हल्का सा किया नीचे यहाँ पर ऐसे, इस वाले पॉइंट को लिया, इसको यहाँ से नीचे किया, इसको हमने हल्का सा ऊपर किया यहाँ पर, और इसको हमने यहाँ पर ऐसे इस जगह पे यहाँ लिया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमने इसको हल्का सा दबा हुआ, इसको उठाया ऊपर की तरफ कर दिया, ओके हो गया, और यहाँ से देखा ठीक है, ओके है, लाइन ली सीधी, और यहाँ से हमने इसको ऐसे और ये मिला दिया, ये हमने इसको किया ज्वाइन, ठीक है, इसको हल्का सा पॉइंट कंट्रोल पॉइंट दिया दोबारा से, और यहाँ से मैंने हल्का सा नीचे लाया, और यहाँ से मैंने इसको हल्का सा ऐसे नीचे कर दिया, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी, और ये हमारी दो मरोड़ियाँ बन गई। अब उसी तरह से हमने इस वाली हॉकी को भी ड्रॉ करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं इसको, यहाँ से ये चीज़, ठीक है, ये देख, ये यहाँ से मैं ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ उसको, ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे, राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ऐसे,
और यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ये हमने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया इसको यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, और इसको हमने यहाँ पर ले आए, ओके हो गया। अब हमने इसको भी देखना लाइन पर, ठीक है, ये तकरीबन ठीक है हमारा, हल्का सा है जिसको हम ठीक करेंगे, बिल्कुल बाकी उसके अलावा ठीक है हमारा लाइन पर। इसके बाद हमने इसको स्केप करा और इंटर कर लिया और इसके एंड पॉइंट मिलाया यहाँ से, ऐसे यहाँ ऐसे और यहाँ पर ऐसे। उसके बाद इसको पकड़ा और हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओके हो गया, हमारा ज्वाइन हो गया। अब यही हॉकी हमारी नीचे आ जाएगी, यही हॉकी हमारी इधर चली जाएगी थोड़ी छोटी होके, यही हमारी उस तरफ चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको लिया पहले, ठीक है, सॉलिड में गए, इलिप्सी कमांड ली और यहाँ पॉइंट रखा ऐसे और इसको हमने खोला ऐसे, ठीक है। उसके बाद थ्रू फिंगर में गए और उसके बाद हमने इसको यहाँ ऐसे बड़ा किया, ठीक है। और अब हमने यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद अब हमने इसको इस जगह पे जाना है, ठीक है। यहाँ कर में जाके प्रोजेक्ट की कमांड, इसको लिया और राइट क्लिक, ये आ गया इसके ऊपर, कैंची पकड़ी, काट दिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ से डिलीट, अब कर्व को हमने डिलीट कर, ठीक है, हमारा ओके हो गया, समझ आ गई कि नहीं आई। अब आपने क्या करना है, यहाँ जाके इस वाली को लेना, दोबारा से एलिप्स लिया, अब इसका पॉइंट रखा यहाँ पर और ऐसे खोला यहाँ पर और ऐसे खोला, थ्रू फिंगर में गए और यहाँ इसको इतना बड़ा किया, ठीक है। पीस के हिसाब से हमने एलिप्स बनाना है, ये नहीं कि एलिप्स एक जैसे ही बनाना है, ऐसा नहीं करना, पीस के हिसाब से बनाना। कैंची पकड़ी, काट दिया, यहाँ से इसको डिलीट किया और ये डिलीट हो गया। फिर इसको लिया, अब इसको भी इसी तरह से एलिप्स, ठीक है, इसको मैंने यहाँ खोला ऐसे ऐसे, थ्रू फिंगर और यहाँ पर ऐसे, प्रोस्पेक्टिव में गए, प्रोजेक्ट की कमांड ली, सरफेस पकड़ी, राइट क्लिक, उसके बाद कैंची पकड़ी, इसको काट दिया, ठीक है, ट्रेन से। अब हमारे पास ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसको हमने हाइड कर दिया। अब हमने बेसिकली, हमारा ये गोल्ड में बनेगा तो हम इसको गेज लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली पाकिस्तान में गेज चल रहा है 0.25, 0.3, 0.35 चल रहा है, ठीक है। तो मैं 0.3 से शुरू कर देता, थोड़ा हल्का ज़्यादा ले देता, ठीक है, ये 0.3 मैंने गेज ले लिया इसका। इसको मैंने कर दिया ये वाला कलर, एक कलर हो गया। अब इसके बॉर्डर के ऊपर मैंने लगाना है यहाँ पे एक डुप्लीकेट एच दोनों पे, ठीक है, और इसके ऊपर भी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब ये देखो हमने ग्रीन कर्व लगा लिए, अब इन पे करना है राइट क्लिक ग्रीन कर्व के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है सॉलिड में जाके इसको पाइप, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, फ्लैट और राउंड, ज़्यादा पाइप मोटा नहीं करना, 0.4 का पाइप करना या 0.45 बस, ठीक है, ये 0.45 हो गया। उसके बाद मैंने ग्रीन पर दोबारा राइट क्लिक किया, इसको किया ग्रुप और कंट्रोल दबा के ना इसको हल्का सा ऊपर किया ऐसे, ओके हो गया। अब इसके अंदर मैंने लगाया स्टोन्स, ठीक है, यहाँ ऐसे F6 जेम ऑन सरफेस, ठीक है। अब स्टोन्स भी हमने ऐसे लगाने के, हमने तो सेटिंग देखनी है कि यार कहाँ पे कितना बड़ा स्टोन आ रहा है, यानी कि बेतू के स्टोन लगा दे। अब देखो 1.5 mm का स्टोन बिल्कुल ठीक आएगा यहाँ पे ऐसे, ये देखो यहाँ पर ऐसे 1.5 mm भी बिल्कुल ठीक है, ओके। अब यहाँ पर लगा दो ऐसे, अब यहाँ पर स्टोन पीछे आएगा हमारा तो यहाँ बड़ा हो जाएगा स्टोन हमारा, ये देखो, ठीक है, ऐसे, समझ आ रही है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, और उसके बाद थोड़ा छोटा कर लिया यहाँ पे हमने ऐसे, पाइप में भी हल्का सा मर्ज हो जाए तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि बाहर सरफेस है इसके, ऐसा नहीं है कि पाइप के नीचे सरफेस नहीं है, पाइप के नीचे सरफेस है, पाइप ने उसको कवर किया हुआ, इसलिए हल्का सा पाइप में भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है। इसको आप यहाँ 1.5 mm पर कर लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर इसको आप ऐसे कर लो, ये यहाँ पर, फिर आपने इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया इस जगह पर, और फिर इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया। उसके बाद इस पर किया राइट क्लिक, ये स्टोन्स का कलर ये वाला है, इसको किया ग्रुप और कटर्स में गए और जेम कटर में गए, इसको बंद किया, इस ये वाली विंडो में अंदर नगीनों को पकड़ के डाल दिया, ठीक है, ये कटर आ गए मेरे पास, इसको राइट क्लिक दबा के मैंने लगा दिया। अब सरफेस को पकड़ना है और कंट्रोल बी दबाना है, कंट्रोल बी दबा लो आप या सॉलिड के अंदर जाके ये वाली कमांड ले लो, डिफरेंस की, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद कटर को पकड़ा, राइट क्लिक दबा दिया, ये मेरे कटर लग गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सरफेस को पकड़ा और F6 दबाया और प्रोंग ऑन सरफेस लिया, ठीक है। प्रोंग ऑन सरफेस लेने के बाद अब मेरा प्रोंग आ रहा है 0.6 का, लेकिन नगीना छोटा है, मतलब 1.5 mm तक का है, तो मोटा संग मैंने नहीं लगाना, यहाँ लगाना है 0.5 का संग, इस पर ऑटो नहीं लगेगी, ये जब यहाँ से जब भी मूव होगा ना ये चीज़ यहाँ पे ख़राबी आ जाएगी, इस वजह से ऑटो ऑटो जो जंग है ना हमारे, वो हर जगह पे नहीं लगाए जाते, ये बात ध्यान में रखना, ऑटो जंग हर जगह पे नहीं लगते। अब मैंने इसके यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ लगाया, एक जंग मैंने यहाँ लगा दिया खूबसूरती के लिए, एक यहाँ पर ऐसे लगाना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, फिर यहाँ पर, नहीं नहीं 0.5 का जंग है, क्योंकि 1.5 mm के दाने को 0.5 का जंग लगता है, इससे नीचे अगर दाना चला जाए, जैसे 1.25, 1.20 का दाना हो, तो आपने उसको फिर 0.4 का या 1.10 का दाना हो तो 0.45 का जंग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जंग आ गया, यहाँ मेरा जंग आ गया, अब जैसे यहाँ पर जंग आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बन रही, तो यहाँ पर एक जंग मोटा कर दो, मतलब एक पॉइंट बढ़ा दो, 0.55 कर दो,
ऐसे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ रही है इस जगह पे, क्योंकि मूव हो रहा है ना इस जगह पे, ऐसे यहाँ पे बारीक कर दो दोबारा जंग को, 0.5 कर दो इस जगह पे, ऐसे यहाँ बड़ा कर दो, ऐसे 0.55 आ गया, यहाँ छोटा करो ऐसे, यहाँ ऐसे, उसके बाद इसको एक छोटा कर दो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे एक खूबसूरती के लिए जंग लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पर किया राइट क्लिक, ये जंगों का कलर है, इस पर राइट क्लिक करके इसको ग्रुप करा, फिर शिफ्ट दबा के सरफेस को भी पकड़ा और राइट ये वाले ग्रुप कर दिया, अब पाइप को भी लिया ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको एक कलर दे दिया ऐसे, ठीक है, इसको हमने स्टोन्स को लेके यहाँ से ये ग्रुप कर दिया, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो सरफेस है ना, ये भी हल्की सी ऊपर से गोल है हमारी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ये वाली कमांड, ठीक है, फिल्टर एज, इसको लिया ऐसे, ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक दबाया और इसको हमने किया सेट ऑल 0.25, ठीक है, पहले 0.25 करके देखते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो 0.3 कर देंगे, ठीक है, 0.25 बहुत है। राइट क्लिक दोबारा उसी कमांड में आ गए हम, राइट क्लिक दबा के इसको पकड़ा, यहाँ से हमने इसको लिया राइट क्लिक और फिर राइट क्लिक दबाया, ठीक है, पत्ता अगर बड़ा हो जरूरत पड़े इससे ज़्यादा करने की तो उसको ज़्यादा भी कर लो, 0.3 कर लो, ठीक है। अब आप आ जाओ इधर, ये हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया, ठीक है, ये देखो हो गया मुकम्मल। अब हमने इसके मुताबिक देखना है कि यार कौन सा पत्ता किस जगह पे कैसे हमारा सेट हुआ। अब हमने ये वाला जो हमारा घाट है ना, हमने ये वाला घाट बनाना है, पहले जो हमारे बने हुए ना घाट, हमने इसको घाट बनाना है। अब ये घाट कैसे बनेगा अब हमने वो देखना है, ठीक है। अब हमने क्या करते हैं, इसको लिया, ये तस्वीर को हमने फिलहाल बंद कर दिया। अब घाट को तसल्ली से देखना है, समझना है कि यार ये घाट बना हुआ हमारा कैसे है, आग लग से बन सकता है, किस चीज़ से हमारा ये घाट बन सकता है। तो यहाँ पे चले जाओ, इसका रिंग रेल ले लिया हमने, ठीक है। अब मैंने लुकिंग डाउन में जाके रिंग रेल का पहले एक यहाँ से ऑफ साइड लिया, ठीक है, इसको मैंने किया बोथ साइड, ठीक है। इतना करना है कि ये हमारी जेह अंदर की तरफ चली जाए, 6 mm, 8 mm, ठीक है, 10 mm, 10 mm भी छोटा है हमारा, 14 mm, ठीक है, 12 mm, तकरीबन 11 mm, ठीक है, ये यहाँ तक आएगा, इसको हम करते हैं 12 ही कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया हमारा, ठीक है, ओके हो गया। इस रिंग रेल, इसकी राइनो हिस्ट्री ऑन करी, इस रिंग रेल को मैंने डिलीट करा, इस रिंग रेल को मैंने उधर मिरर करा, ठीक है। अब मैंने इसको हल्का सा इसके करीब लेके गया ऐसे, तो उधर वाला ऑटोमेटिक इसके करीब आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई है या नहीं आई है। अब ये देखो कि ये जो चीज़ हमारी बनी हुई है ना, ये घाट बना हुआ प्रॉपर, कि इससे आर्क लगी है ऊपर भी और नीचे भी इसके। अब आप इधर गए, अब आपने ये यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब आपने इसके साइड व्यू में जाके इसके ऊपर एक ऑफ साइड लेना है, ठीक है। हम इसका ऑफ साइड तकरीबन पहले लुकिंग डाउन में जाके देख लेते हैं कितना है, ठीक है, ये कितना बना हुआ है, इसको हम लेते हैं यहाँ से ऑफ साइड ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं तकरीबन 0.8 मैंने ले लिया, ठीक है। इसको मैंने उधर, इस वाले ऑफ साइड कर्व को मैंने उधर मिरर किया, ये आगे मेरा कर्व, इसको मैंने इधर मिरर कर दिया, ठीक है, इसको और इसको मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया। अब यानी इसके ऊपर आर्क लगानी है, इसको भी मैंने बंद किया, इसको भी मैंने बंद कर दिया, ठीक है, इसको भी बंद किया, अब मैंने इनको भी बंद कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर लगानी आर्क, क्या लगानी है, आर्क लगानी है, लेकिन पहले इसको मैंने नीचे से थोड़ा छोटा भी करना है ऐसे। अब ये रिंग रेल लिया मैंने, रिंग रेल को मैंने यहाँ से पकड़ के रोटेट करना है, ये इसमें दूसरा रिंग रेल आ गया मेरा, आ गया, इसको लुकिंग डाउन में जाके ये दोनों रिंग रेल लिए मैंने और इसको रोटेट कराया यहाँ से, ठीक है, ऐसे ये चीज़, ये मैंने रोटेट कर दी, ठीक है, ये रोटेट हो गई रोटेट, समझ आई या नहीं, ये रोटेट हो गया मेरा कर, और करना चाहो तो और कर दो आप ऐसे, ये चीज़ यहाँ स्केल 1D मैंने पकड़ा और हल्का सा इसको बढ़ा कर यहाँ पकड़ के ये यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे ले आया यहाँ, ये चीज़, ठीक है, ये आ गया मेरा यहाँ पर। अब मैंने किया आर्क, अब मैंने इसको किया ब्लू कलर को बंद, अब आर्क ली यहाँ से ऐसे, यहाँ पे पॉइंट रखा, यहाँ पॉइंट रखा, इसको ऐसे लगाया, ये चीज़, ठीक है, समझ आइए। अब मैंने क्या किया, इसको भी लिया यहाँ से, इन दोनों को दोबारा पकड़ा यहाँ से, ठीक है, इन दोनों कर्वों को लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, केज एडिट की कमांड ली, बाउंडिंग बॉक्स लिया, सी प्लेन, यहाँ चार पॉइंट है, चार ही रहने देता हूँ ऐसे, इन चारों को सेंटर वाले को पकड़ा, इसको मैंने बंद किया, यहाँ से गम्बॉल को कंट्रोल दबा के इसकी डायरेक्शन में लेकर आया और इस कर्व को मैंने हल्का सा अंदर की तरफ मूव किया ऐसे, देखो बना घाट, बन रहा घाट, ये देखो आ रही शेप कि नहीं आ रही, ये देखो यहाँ से ऐसे ये चीज़ आ रही। अब करो स्केप, अब आप इसको कर दो डिलीट, ये देखो हो गया हमारा काम, समझ आई। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको कर्व को लिया, ठीक है, इस वाले कर्व को, अभी हमने इसको और यहाँ से छोटा करना है, ठीक है। अब हमने इसको खोला दोबारा से, इसको यहाँ से केज एडिट किया दोबारा से, क्योंकि अभी नीचे से काफ़ी छोटी डंडी है हमारी, ठीक है, इसको मैं लेके यहाँ पे करीब ले आता हूँ ऐसे, ये यहाँ, ठीक है, ये चीज़ ऐसे आ, इसको लिया और मैंने इसको ऐसे दबा दिया, ये चीज़, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ ऐसे, और यहाँ से भी हल्का सा बाहर निकाल लेता हूँ, ये चीज़,
ये चीज़, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा और बाहर निकाला, यहाँ से हमारी डंडी तकरीबन यहाँ से ठीक आ रही है, ठीक है। अब मैंने कर दिया स्केप और इसको मैंने कर दिया डिलीट, ये चीज़। अब इस कर्व को लिया मैंने यहाँ से, ओरियन टू पॉइंट कमांड ली है वाली, यहाँ रखा एंड, यहाँ रखा एंड। अब इसको मैंने कर्व को बंद किया, रिंग रेल जो ओरिजिनल था मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ पे लगाया, ऐसे हो गया। इसको मैंने पकड़ा, ये सीधा ऊपर की तरफ है ना, ये देखो ऊपर की तरफ इसका मूव हुआ। हमने रोटेट पकड़ना है, इसको पकड़ना है, शिफ्ट दबा के इसको नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करते हैं, ओके हो गया। अब इन दोनों को पकड़ के, बल्कि चारों को पकड़ के आप या तो सरफेस स्वीप टू कर दो, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा आपका, ये यहाँ से इसको क्लोज कर दो और ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, ये कर लो, नहीं तो इसको कर्व नेटवर्क करके चेक कर लो, ये यहाँ पे देखो, ये कर्व नेटवर्क नहीं होगा, ये स्वीप टू ही होगा हमारा, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, इसको क्लोज करो और यहाँ पे ऐसे, ये हमारा काम यहाँ तक हो गया। इसको हमने पकड़ा, इसको गया और यहाँ से मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है, पिक्चर को खोला, इसको मैंने ये वाला कलर दिया। अब देखो इसके अंदर ये चक्का बना रहा हमारा, ठीक है। अभी हमें चक्का बनाना है, क्या करना है, चक्का बनाना है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, पहले तो इसके अंदर हम यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ से ऑफ साइड, ये वाला डुप्लीकेट एज लेके यहाँ से इसको ये लिया, इसको किया ऑफ साइड सरफेस, ये वाली कमांड, ठीक है। और इस सरफेस के ऊपर हमने क्लिक किया। अब कितना लेना है हमने, इसको हमने देखना है कि मोटाई कितनी है, तकरीबन देखने में ज़्यादा लग रही है, तो हम यहाँ तकरीबन इसकी मोटाई जो है ना 0.8 ले लेते हैं, ठीक है। अगर वजन कम देना हो तो कम ले लो, ऐसे आ गई। इसको मैंने इस वाले कर्व को लेके मैंने उधर मिरर कर दिया, इस वाले को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये वाला कर्व मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ गोलाई बनी हुई है, ठीक है, ये चीज़ गोलाई बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्की सी गोलाई बना लेंगे इसकी, यहाँ पिक्चर को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे जाके ना थोड़ा सा ऊपर रख के इसको, यहाँ पे मैंने लिया आर्क, ठीक है, ये आर्क मैंने यहाँ यहाँ रखी, इसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, ऐसे यहाँ रखा और मैंने इसको यहाँ रखा, ऐसे चलाया इसके ऊपर, ये ऐसे ऐसे चलाया, ये आर्क इसके अंदर चली गई है, ठीक है, ये रही आर्क। इसको मैंने पकड़ा, इस वाली आर्क को इसके ऊपर मैंने पुल बैक करा, ठीक है, ये ऐसे और ये चीज़ ये आ गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट करेंगे सर अंदर की तरफ है ना, इसको पकड़ के हमने प्रोजेक्ट कर देना है यहाँ ऐसे, ये प्रोजेक्ट नीचे जा रहा है हमारा, हम पुल बैक ही करते हैं। अच्छा, अब आप इसको देखो, ये हमने कर तो दिया लेकिन ये ठीक नहीं आ रही। हम क्या करते हैं, इसको पकड़ा, थ्रू फिंगर में जाकर रोटेट करा, ठीक है। इस आर्क को मैंने यहाँ से पकड़ा, यहाँ पर रखा और बाहर ले आया ऐसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लाने के बाद मैंने इसको, इस कर्व को मैंने इसके ऊपर पुल बैक किया, अब बाहर है ना, बाहर से नीचे की तरफ मैंने पुल बैक किया, ये आ गया, ठीक है। अब इस कर्व को मैंने डिलीट कर दिया, जो चिपक गया उसको मैंने उधर मिरर कर दिया, ये हमारा मिरर हो गया। अब आपने क्या किया, इस कर्व को लिया, ठीक है, इसको फिलहाल बंद कर दो। अब आपने इसको पकड़ के यहाँ से काट दो, ये कट गया हमारा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ज्वाइन, ये मेरा ज्वाइन हो गया। इसको मैंने यहाँ, इस वाला यहाँ से इसको भी मैंने पकड़ के ये मैंने काट, ये कटा नहीं, इसको मैंने यहाँ से, अब ये यहाँ से हमारा प्रॉब्लम करेगा हमें, तो हम इसके लिए आसान हल्का निकालते हैं। इसका सेंटर से लाइन लगाई इसकी और बोथ साइड किया इसको ऐसे, इसको पकड़ा और यहाँ से कैंची लेके काट दिया। इसको मैंने उधर मिरर कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने ज्वाइन किया सारे को पकड़ के ऐसे, ये मेरा एक हो गया यहाँ पे। अब मैंने सरफेस खोल ली। अब इस सरफेस के अंदर से मैंने क्या करना, ये सरफेस ली, सुप्लिट की कमांड ली, इस कर्व को लिया और राइट क्लिक दबा दिया। अब ये देखो इसके अंदर से इसने इसको काट दिया, ये देखो, समझ आई है कि पिछली भी गई है, पिछली भी गई है, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको यहाँ से लिया और ऐसे ली, ये लिया अब यहाँ पर, ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारा ये चीज़। अब हमने इसको लिया, इसको हमने पहले गेज कर दिया, पिक्चर को खोला, ये देखो ये हमारा गेज हुआ पूरा ही, ठीक है। बाद में डंडी को हम जो गेज करना चाहते हैं, डंडी को भी हम गेज बाद में कर सकते हैं, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा यहाँ से और यहाँ जाके मैंने इसको गेज कर देना, यहाँ पे नीचे डंडी को भी गेज आ जाएगा हमारा, एक ही गेज आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं 0.7 का गेज कर देता हूँ, ठीक है, एक ही गेज आ जाएगा हमारा, ये मेरा गेज हो गया, ठीक है। यहाँ अभी मैं आउट ऑफ बॉर्डर इसके चक्का लगा दूँगा, ये हमारे ये आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई या नहीं, ना आए तो पूछ लेना। ये डुप्लीकेट एज लिया अब आपने यहाँ से ऐसे और इन दोनों का इसको भी पकड़ लिया आपने। इसके बाद आपने इसको किया लॉफ्ट, ये आपने लॉफ्ट कर दिया, ठीक है, ये देखो लॉफ्ट किया, ये अंदर की तरफ इसका घाट भी बन गया। इसको आपने लेके यहाँ से आपने इसको अंदर की तरफ 0.5 का गेज कर दिया, ठीक है, ये 0.5 हो गया और मैंने इसको उधर मिरर कर दिया। ब्लू कलर जो है इसके कर्व मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको लिया, यहाँ से मैंने ग्रुप किया और एक कलर दे दिया इसको, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ आ गई है यहाँ पे, अब मैंने ये देखो सरफेस बनी है, ये नगीना ये वाला आ गया, ये वाले ये आ गए। अब सबसे पहले तो हमने ये वाला नगी कर्व पकड़ना है, ये वाला, ठीक है, पत्ता लिया, डुप्लीकेट की कमांड ली, इसको यहाँ ले आया मैं सेंटर में,
सेंटर में लाके मैंने यूटिलिटी में जाकर सेंटर ऑब्जेक्ट किया इसको ऐसे, ये मेरा यहाँ पे आया। अब मैंने इसको उठाया और यूँ ले आया। अब मैंने यहाँ देखा ये रखा हुआ किस रुख में, यहाँ पे ऐसे है। अब इसको मैंने थोड़ा सा किया इधर, इसको मैं लाया इधर ऐसे, थ्रू फिंगर में गया, यहाँ पे लेके गया इसको ऊपर, ठीक है। इसको ऐसे प्रोस्पेक्टिव में जाने के बाद इसको हमने यहाँ जाके गम्बॉल के जरिए ऐसे कर देना, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। अब आप यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ ऐसे। अब इसको हमने सेटिंग करना है मैनुअली, ठीक है। इसको ऐसे करो, इसको यहाँ पर ऐसे लाओ, ये चीज़, ठीक है। अब आपने इसको ऊपर किया थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पे इसको कर दो ऐसे, ये चीज़। इसको आपने हल्का सा इसको ऐसे किया और यहाँ जाके इसको ऊपर यहाँ पे लिया, ये देखो, ठीक है। अब ये जेंस के मुताबिक, अब ये देखो पत्ता जो है जे को कवर कर रहा है ये वाला, क्योंकि ये नगीना जो है ना हमारा, ये वाला नगीना देखो, ये जे के ऊपर आ रहा है, जे हमारी नीचे आ रही है। ये जो हमारा पत्ता बना हुआ है ये हमारा जंग का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, जंग का काम कर रहा है, इसी में जड़ाई होगी हमारी। अब ये देखो ये आ गया, इसको हमने नीचे लाए और इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिया अंदर की तरफ ऐसे, कि इसको कवर करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे। बाकी जो स्टोन सेटिंग करने वाला वो अपने हिसाब से खुद थोड़ी बहुत सेटिंग उसने वो भी कर लेगा, ठीक है, ऐसे। इसको आप मिरर करो और यहाँ पे गैप आ रहा है इसको करीब करो, क्योंकि उसमें गैप नहीं है, ऐसे। अब आप इसको ऐसे करो, इसको करीब ले जाओ इसके ऐसे, और थोड़ा सा आपने इसको इधर कर दिया ऐसे, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी। और यहाँ से आपने इसको हल्का सा बाहर निकाला, ये चीज़, इसका गेज हल्का सा बढ़ा दिया हमने, इसकी जो लेंथ है ना, ये हमने लेंथ ली है, थोड़ा सा हमने गेज बढ़ा दिया ताकि इसको कवर करे, ये ऐसे। इसको अब यहाँ पे ले आओ, इसके ऊपर ले आओ, इसको आप हल्का सा ऐसे करो यहाँ पे, और यहाँ जाके ना कंट्रोल दबा के गम्बॉल को ऊपर लाओ और नीचे से इसको रोटेट करो बाहर की तरफ ऐसे, और हल्का सा इसको, ये हमारा ठीक है, ओके हो गया, ठीक है, इसने इसको कवर कर लिया, इसको हल्का सा बाहर निकालो ऐसे, और इसको ये वाला कलर दे दो आप, ओके हो गया हमारा, ये आ गया। इसको आपने उधर मिरर कर दिया, ठीक है, ये हमारा इधर मिरर हो गया। तस्वीर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तस्वीर में आइडिया होता है और इसमें 19-20 भी चल जाता है। तो तस्वीर पे आपने खुद से बेहतर करके चीज़ को बनाने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि जो है सो चल रहा है वो नहीं करना है, खुद बेहतर करना है कि कहाँ बेहतरी मैं ला सकता हूँ। अब इसको पकड़ो आप, ठीक है, इसको लेके आप यहाँ दोबारा डुप्लीकेट लिया। अब आपने इसको यहाँ लाए, अब इसको देखा ये कैसे रखा हुआ, इसको पकड़ा आपने, यहाँ पर रोटेट करना शुरू किया ऐसे, इसको ले गए यहाँ पर ऐसे। अब प्रोस्पेक्टिव में गए और यहाँ जाके आपने इसको ऐसे, इसको आपने किया ऐसे, ठीक है, इसको आपने यहाँ पर ऐसे लाए और देखा दोबारा से नगीना कहाँ रखा हुआ, इसके ऊपर कवर कर रहा है, इसके ऊपर है नगीना हमारा, पत्ता हमारा इसके ऊपर है, इसको आपने ऐसे किया ये चीज़, इसको यहाँ लिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पर लिया ये चीज़, ठीक है। अभी पत्ता इसके नीचे जा रहा है इसके, और तस्वीर में भी ऐसे ही है हमारा, इसको नीचे लाए हम ये चीज़, ठीक है, ये हम यहाँ पर ले आए और अब हमने इसको किया ऊपर की तरफ ऐसे, ये देखो, ठीक है। अब जो कारीगर होगा जड़ाई करने वाला वो इसको हल्का सा ऊपर से यूँ दबाएगा और नगीना इसके अंदर यूँ पकड़ में आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारा, ये चीज़ हमारे ऐसे आ गई। अब ये पत्ता इसके ऊपर जा रहा है ना, हम थोड़ा सा पत्ते को इधर ले आएंगे क्योंकि हमने इसको कवर भी करना है, देखना है कि कहाँ किस तरह से सेटिंग बैठेगी हमारी। हमने इसको ऐसे लिया, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। अब इस पत्ते को लेके मैंने यहाँ जाके यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया इस जगह पे, ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, इसको मैंने नीचे की तरफ रोटेट किया, ये चीज़ ऐसे, ठीक है, ये चीज़, इसको मैंने डिलीट कर दिया और इन दोनों को भी डिलीट कर दिया, तो राइनोसरी ऑन है इस वजह से एक काम हिल रहा है हमारा, ठीक है। इसको मैंने मिरर किया ऐसे, अब इन दोनों को पकड़ के मैंने ऊपर किया ऐसे, ये आ गया, ये मेरा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट जड़ाई हो जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। इसको हल्का सा बाहर निकाल दो, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी जो काम है वो कारीगर खुद कर लेगा जड़ाई वाला ऐसे। इसको आपने मिरर कर दिया यहाँ पे ऐसे, ये, और इसको आपने उधर कर दिया मिरर ऐसे, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आपने इसको भी लिया और आपने इसको भी उधर मिरर, ये मिरर हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब आपने देखना है कि यार ये वाला जो हमारा काम है, एक हमारी हॉकी कैसे जुड़ी हुई है। अब इसके ये वाली उठा लो आप, ठीक है, पहले तो इसको ले आओ, इस वाली को हम उधर मिरर करके चेक करते हैं, ये ऐसे आ रही है, इसका रुख ऐसे है हमारा, ठीक है। तो मैं इस वाली को उठा के इधर मिरर करूँगा और इधर वाली को डिलीट कर दूँगा, क्यों, क्योंकि अब ये इधर आएगी हमारी ये वाली, तभी इसका जो रुख है ये ऐसे आएगा। इसको मैंने किया रोटेट ऐसे, ये मैंने रोटेट करा, ठीक है, इसको मैं लाया यहाँ पर ऐसे और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाया यहाँ पर ऐसे, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। इसको मैंने ऐसे किया और यहाँ जाके मैंने इसको ऐसे किया, ये चीज़, और यहाँ मैं इसको लेके आया ऊपर। अब तस्वीर में दोबारा देखो कि ये कहाँ बैठा है, ये इसके नीचे है इस जगह पे, ये देखो, ठीक है, ये इसके इस जगह पे, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी जगह पे आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। अब आप इसको करीब लेके जाओ ऐसे, ये करीब आएगी। इसके बाद आपने रोटेट पकड़ना है और रोटेट पकड़ने के बाद यहाँ लुकिंग डाउन से इसको ऐसे करना है, ये चीज़, ताकि इसको कवर करेगी हमारी, ठीक है, ये देखो, ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करो ऐसे।
अब आप इसको पत्ते को भी लो, लुकिंग डाउन में जाके इसको भी ऐसे रोटेट करो, ये चीज आ गई हमारा, ठीक है, समझ आइए। इस पत्ते को आप हल्का सा इधर कर दो ताकि ये वाला पत्ता इसके ऊपर ना आए और नगीनों को जुड़ाई में प्रॉब्लम ना करे। इसको अब हल्का सा ऐसे कर दो, ये चीज, ये ऊपर कर दिया हमने, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब आपने इसको लिया और आपने इसको भी उधर मिरर कर दिया, ये देखो हो गया हमारा परफेक्ट पत्ते, ठीक है, समझ आई। अब आप इसको भी लेके यहाँ पे ये इसको, सॉरी, इसको यहाँ पे करो राइट क्लिक और इसको यही वाला कलर दे दो आप, ठीक है, ये हमारा कलर आ गया, समझ आ गई। अब आपने देखना है कि ये वाली जो हॉकी है हमारी, ये कैसे रखी हुई है, ये वाली हमारे इसके नीचे आएगी, ठीक है, ये इसके यहाँ पर। अब हमने डुप्लीकेट लिया, इसको लाए दोबारा यहाँ पर, इसको ऐसे लिया, रोटेट पकड़ा और इसको हमने ऐसे कर दिया, ये चीज़, ठीक है। अब आपने इसको लिया, यहाँ जाके इसको आपने ऐसे कर दिया, सॉरी ये ऐसे जा रहा है, पहले गम्बॉल को यूँ सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ये ले आए, फिर आपने इसको ऐसे लेके गई यहाँ पर, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा छोटा कर दो इसको, ठीक है, ऐसे छोटा किया हमने इसको, नीचे लाए थोड़ा सा यहाँ पर। अब इसको हमने अंदर लाए इस तरफ, घाट के मुताबिक इसको हमने सेट करना है ऐसे, ये चीज़ पिक्चर में देखा बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है, ये देखो पिक्चर में ऐसे है, इसके ओपोजिट है, मिरर है हमारी, सॉरी ये मिरर हमने गलत कर दिया उसकी, ये देखिए सर इसका अंदर की तरफ हमारा, ठीक है, इसका सिरा जो है सर अंदर की तरफ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिरर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको मैं ले आता हूँ इधर, गम्बोल को ऐसे किया, उसको मैं लाया इधर, यहाँ लाने के बाद मैंने इसको किया ऐसे, ये ऐसे हमारा नहीं, वही था, यही चीज़ हमारी ऐसे आ जाएगी कि हमने इसको ऐसे किया यहाँ से गम्बॉल को, और इसको हमने दोबारा रोटेट करना है कैसे वाला, इसको तसल्ली से चेक कर लेते हैं, इसका सिरा नोक ऊपर चली जाएगी इसकी हमारी, इसको हम उधर मिरर करते हैं, ठीक है, इन दोनों को मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं इस वाली को ले आता हूँ इधर, ठीक है, ये वाली मैंने मिरर करके इधर ले आया, ठीक है, ये वाली मिरर करके मैं इधर ले आया और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, नहीं अभी भी नहीं सीख आ रही हमारी, इसको हम करते हैं रोटेट कॉपी, इसको रोटेट कॉपी किया मैंने ऐसे, ठीक है, इसको मैंने किया डिलीट, ठीक है, अब इसको किया मिरर, ये आई सही। अब जो रोटेट कॉपी मैंने किया था उसको मैंने अभी इधर मिरर किया तो हमारी वही रुख आ गया, देखो ये देखो आ गया, ये वाला रुख आ गया हमारा, ये देखो, ठीक है। अब मैंने इसको किया अंदर की तरफ ऐसे यहाँ पर, उसके बाद मैंने इसको किया यहाँ पर ऊपर ऐसे, फिर मैंने निकाला बाहर की तरफ इसको ऐसे, ये देखो। अब ये इसके मुताबिक घाट के मुताबिक इसको यहाँ लाया, इसको मैंने गेज बढ़ाया थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, इसको मैंने हल्का सा ऐसे किया, ये चीज़, इसको पहले मैंने मिरर करके देख लिया ये ठीक आ रही नहीं आ रही, इसको ऐसे किया यहाँ पर, इसको हल्का सा यहाँ से दबाया आपने, ये चीज़, इसको यहाँ से लंबाई भी हल्की सी इसकी कम करी, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। अब आपने किया इसको यहाँ ऐसे ऊपर ले गए इस जगह पे ऐसे, और ये आप थोड़ा सा इसको इधर ले आओ ऐसे खोल दो, ये ऐसे, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ ऐसे, थ्रू फिंगर में जाकर रोटेट करो ऐसे, इसको यहाँ पर ऐसे और इसको यहाँ पर ऐसे, ये ले आओ, इसको आपने पत्ते को लिया यहाँ रोटेट करो नीचे की तरफ ऐसे, ये चीज़, ठीक है, चारों तरफ से पत्ते हमारे मूव हो जाएंगे, उसके हो गए हमारे। अब ये आ गए हमारे, ये देखो ये चाल खुली खुली चाल आ गई हमारी भी यहाँ पे, ये भी हमारा पत्ता हो गया, ये भी हमारा पत्ता हो गया जो हमारा हॉकी लगी हुई थी ये वाली, ठीक है, ये भी हमारे लगा दी यहाँ पे, एक पत्ता हमारा रह गया शायद हमारा ये वाली हॉकी इसके साथ हमारी अभी आनी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको लगाया, ठीक है, अब हमने इसको लिया, अब यहाँ पर देखना नीचे की तरफ हमने, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यही पत्ते को थोड़ा सा पकड़ के हम नीचे लाएंगे, थ्रू फिंगर में गए रोटेट पकड़ा F4 दबाया और इसको नीचे लाए ऐसे यहाँ पर, इसको पकड़ा और ऐसे रोटेट किया अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसको लिया, इसको अंदर की तरफ ले गया ऐसे, ठीक है, इसको मैंने किया डिलीट, इसको किया दोबारा मिरर ताकि राइनोसरी मेरी काम करे ऐसे, इसको मैंने किया ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पर, अब मैंने इसको किया थोड़ा सा मज़ीद छोटा, ये चीज़, ठीक है, इसको मैंने दबा दिया ऐसे। अब ये दबाने से ज़ाहिर सी बात है गेज मेरा हल्का ख़राब हो रहा होगा, ठीक है, अब इसको मैं ठीक करूँगा गेज को, यहाँ ले आया बाहर, इसको मैंने किया अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे, और यहाँ मैंने इसको ऐसे किया, यहाँ मैंने ऐसे किया, इसको मैंने इसको यहाँ पे ले आया, उसके बाद मैंने इसको हल्का सा नीचे कर दिया यहाँ पर ऐसे, चेक करा यहाँ पर ऐसे, ये मेरी यहाँ पे आ गई, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ले आया ऐसे, ठीक है, ये चीज़ ऐसे आ गई। अब मैंने क्या किया, दोबारा से सॉलिड में जाके एक्सट्रैक्ट सरफेस ली ये वाली, इसके ऊपर से सरफेस ले ली, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इस पूरे पत्ते को मैंने डिलीट मार दिया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ जाके दोबारा से गेज कर दिया 0.5, ठीक है, मेरा 0.5 गेज हो गया, मैंने इसको मिरर कर दिया यहाँ पे,
ओके हो गया। अब मैंने इसको दोबारा से फिल्टर एज किया ऊपर से, ये देखो राइट क्लिक। अब इसको करा सेट ऑल पे 0.2, ठीक है। अब मैंने 0.2 किया क्योंकि पत्ता छोटा किया तो जाहिर सी बात है इसकी बॉर्डर भी पतले हो गए होंगे, इसलिए मैंने 0.25 की जगह 0.2 किया, ये आ गया मैंने, ठीक है समझ आ गई। अब यही वाले पत्ते लेके आपने इसके अंदर सेटिंग कर देनी है हमारे, ठीक है। एक पत्ता हम उठाते हैं यहाँ पे, मैंने इसको किया थोड़ा सा बड़ा करते हैं लाइट सा ताकि मर्ज भी हो जाए, ये ऐसे मर्ज हो गया। अब मैंने इसको लिया और इसको मैंने उधर मिरर किया, ये मिरर मेरा हो गया। अब मैंने इसको किया ऐसे, ये मैंने घुमाया, ठीक है, इसको मैंने उधर मिरर करा, ये आ गया। इसको मैंने किया डिलीट, इस वाले को उठा के मैं ऊपर ले गया यहाँ, इसको मैंने को उठाया और इसको मैंने उठा के यहाँ पे ले आया, इसको मैंने किया बड़ा ऐसे, थोड़ी चौड़ाई बढ़ाई और मैंने इसको यहाँ से रोटेट कर दिया ऐसे, ये चीज़, ठीक है। इसको मैंने किया इधर मिरर, ये ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारा गैप ज़्यादा दे रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे पत्ते को, थोड़ा सा इधर ले आऊँगा मैं ऐसे और यहाँ ऐसे, ठीक है। इसको मैंने किया पत्ते को थोड़ा सा बड़ा ऐसे, इसको किया यहाँ ऐसे, इसको थोड़ा सा किया नीचे ऐसे, यहाँ ये चीज़, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया थोड़ा सा, अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से पत्तों की ना। अब देखना है कि ये क्योंकि तस्वीर है, बार बार बता रहा हूँ, तस्वीर में आइडिया है हमारे पास और फिर हमारे लिए कोई इसमें और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। ऐसे लिया हमने इसको यहाँ पर लिया, ये चीज़, इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया इस जगह पर, ये चीज़, ठीक है, ये आगे हमारी क्योंकि तस्वीर है, हम तस्वीर में खुद सेट कर रहे हैं हर चीज़ को, तो इसलिए हमने अपने हिसाब से देखना पीस को, ये ऐसे, ये चीज़, ये चीज़ ऐसे आ गया, ठीक है। अब आपने इसको हल्का सा इधर कर दिया, ये चीज़। अब आपने इसको हल्का सा नीचे लिया इस जगह पर, ये लिया, इसको यूँ रोटेट करो, ये चीज़, ये मर्ज हो रही है कोई मसला नहीं, इसको मर्ज होने दो, इसको पकड़ो आप यहाँ से रोटेट करो और इसको नीचे से अंदर की तरफ, ये अंदर और यहाँ से ऊपर अंदर वाली साइड से इसको बाहर निकालो ऐसे, ये आगे हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये इसके अंदर जा रहा है। अब आपने इस पत्ते को लिया, कलर दिया अलहदा और यहाँ जाके ना थ्रू फिंगर में एक लाइन ली और इसको इस हिसाब से यहाँ से लाइन लगा के काट दिया, इन दोनों को लिया, सुप्लिट की कमांड ली, कर्व को लिया और राइट क्लिक दबा दिया, ठीक है, ये हमारा कट गया। इसको अनसेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया दोनों को। अब आपने इन दोनों को लेके यहाँ से कैप लैंडर करना है क्योंकि सुप्लिट होने के बाद ऊपर से खाली हो जाता है पीस हमारा, इसलिए कैप लैंडर लाजमी करना, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पर। आपने इसको लिया और इसको हमने देखना है कि ये कैसे आएगा, इसको हम थोड़ा सा इसका सिर जो है ना ऐसे मिलाते हैं, ये चीज़, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़, ठीक है। इसको मैंने ऐसे किया, अब मैंने इसको हल्का सा ऐसे, फिर गम बोल को मैंने दिया यहाँ पर पॉइंट है। अब मैंने इसको नीचे से रोटेट किया ऐसे, ये ताकि इसमें मर्ज हो जाए। अब मैंने गम बोल को लाया कंट्रोल दबा के नीचे और इसको हल्का सा बाहर की तरह मैंने रोटेट किया ऐसे, ये चीज़। अब मैंने इसको किया बड़ा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये, और इसको मैंने हल्का सा किया यहाँ पर ऐसे, ये देखो, इसको मैंने हल्का सा ऐसे ऐसे लंबा कर, यहाँ से इसको हल्का सा लंबा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और साइज़ है, वहाँ पे कुछ और साइज हमारा बना हुआ। इस पत्ते को हल्का सा मैं नीचे ले आता हूँ इस जगह पे ताकि इसके लेवल पे आ जाइए, ये आ। अब आपने इसको और इसको लिया, यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, इसको और इसको लेके आपने उधर मिरर कर, ये देखो, तो ये हमारी अंगूठी रेडी हो गई। इसको मैंने पत्तों को लिया, यहाँ से मैंने हाइड कर दिया, ये मैंने हाइड कर दिया, तो ये लो हमारी अंगूठी मुकम्मल। अब बताओ इसमें कोई पूछने वाला सवाल, कोई जहन में हो, कुछ ना जहन समझ में आ रहा हो तो पूछो, बताओ। अभी मैंने बताया तस्वीर एक आइडिया थी, हमने खुद से इसको बेहतर करके बनाना था, कोई कमी पेशी यानी कि थी इसमें, कुछ पत्ते हमने करने था वो हमने कर लिया अपने हिसाब से। अब बताओ इसमें कोई पूछना है, कुछ समझ ना आ रहा हो तो बताओ मुझे, ये समझ में नहीं आया बताओ, अब कर लोगे या और बताओ। ये घाट आर्क लगा के बनाया बेटा, ये आर्क लगाई है मैंने, पूरा पहले रिंग रेल ली है आपके सामने, ये मैं सारा आपको लेक्चर भी दे देता हूँ ना, अभी आपको देता हूँ सारा लेक्चर भी, ठीक है, फिर उसको देखे फिर समझना कैसे बनाया, तो ये मुझसे ले लो और इसको बनाना शुरू करो अल्लाह का नाम लेके, ना समझ आए फिर मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है, समझ आ गई, चलो हो जाएगा, चलो अल्लाह का नाम लो, उसको शुरू करो।